नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों आज हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है ECS बिजटेक लिमिटेड। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 5.98 रुपीज़ पे। बेचे तो आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -81.63%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -78.21%, 1 ईयर में रिटर्न दिया है 33.18%। पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एटीलेट रिटर्न दिया है 3.28%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है -1.97%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 48.02%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 10.13%, और 1 डे में आपको जानकारी नहीं है। दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों हमारे सीनियर वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे ECS बिजटेक लिमिटेड का। दोस्तों कंपनी के बारे में जानते हैं, ECS बिजटेक लिमिटेड प्रोवाइडिंग कस्टमर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज थ्रू द बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ये कंपनी ECS बिजटेक लिमिटेड, ये बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और सर्विसेज ये करती है, प्रोवाइड करती है बेस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के द्वारा। ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। उसी वेबसाइट है ECS बिजटेक लिमिटेड की, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। और ये बेसिकली जो काम करते हैं साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, ई वेस्ट, ये सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। इनके अलायंस पार्टनर्स भी हैं। कंपनी जो स्थित है ECS बिजटेक लिमिटेड, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आके आप चेक कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है 12.3 करोड़, की मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़ से, तो एक पेनी स्टॉक है। जो करंट प्राइस है 5.98 रुपीज़ की, इसका जो 52 वीक हाई है 7 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 3.35 रुपीज़ का। स्टॉक की जो पी है 51.2 की है, इसकी जो बुक वैल्यू -2.45 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 0% की है, ROCE 0.68% की है। इसकी जो ROE है उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की है। दोस्तों चार्ट है ECS बिजटेक लिमिटेड का, जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने पिछले 1 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। प्रॉस की जानकारी नहीं है, कौन चेक करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -9.73%। पिछले क्वार्टर में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है -9.73% से। पीयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है IT हार्डवेयर के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है कंप्यूटर हार्डवेयर की है। इस सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है AGS ट्रांसेक्ट है, देन सेरेब्रा डी बे है, देन SCL इंफो सिस्टम्स है, देन डी लिंक इंडिया है, देन TVS इलेक्ट्रिक्स है, देन 2H इंफो है, देन प्रोटेक PLT है, और नंबर 8 पे ECS बिजटेक लिमिटेड है। हम इसी क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। जून 2019 में इसकी जो नेट प्रॉफिट थी -0.38 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 0.60 करोड़ की, कंपनी नेट प्रॉफिट हो यहाँ पे बढ़ी हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट 0.40 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 0.24 करोड़ की है। कंपनी नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। कमोडिटी सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में -39%, 5 ईयर्स में -38%, 3 ईयर्स में 27%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में -18%, 5 ईयर्स में 16%, 3 ईयर्स में 26%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में जानकारी नहीं है, 5 ईयर्स में -26%, 3 ईयर्स में 22%, 1 ईयर में 33%। रिटर्न ऑन इक्विटी की जानकारी यहाँ पे नहीं है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2011 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स थी
24.57 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 7.74 करोड़ की है, कंपनी टोटल एसेट्स है उसमें कमी आई है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2011 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो थी 0.14 करोड़ की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है 0 करोड़ की है, कंपनी की नेट कैश फ्लो है उसमें कमी आई है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2011 में कंपनी की जो कैश फ्लो है साइकिल थी 290.33 की थी, और मार्च 2022 में कंपनी की जो कैश फ्लो है साइकिल है 608.33 की है। मार्च 2011 में कंपनी की जो ROC थी जानकारी यहाँ पे नहीं है। मार्च 2022 में कंपनी की जो ROC है 0.68% की है। श्रोणी पैटर्न चेक करते हैं, जून 2019 में प्रोमोटर्स के पास 74.94% शेयर्स थे, मार्च 2022 में प्रोमोटर्स के पास 65.26% शेयर्स हैं, प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। जून 2019 में पब्लिक के पास 25.06% शेयर्स थे, मार्च 2022 में पब्लिक के पास 34.74% शेयर्स है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दोस्तों, हमने डिटेल एनालिसिस किया ECL बिजटेक लिमिटेड का। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।